हाल ही में शुक्रवार को एक अप्रत्याशित निर्णय में रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ एवं रेलवे मंत्रालय ने मिलकर ऑपरेशन थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके तहत जो दलाल भारतीय ई टिकटिंग एवं तत्काल सुविधा का अनुचित उपयोग कर रहे थे, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पूर्वी तटीय रेलवे के आरपीएफ के जवानों ने लगभग 19 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे 15 लाख रुपए के मूल्य के लगभग 730 टिकट बरामद किए। जहां दक्षिण रेलवे के आरपीएफ ने 32 दलालों को हिरासत में लेकर 50 लाख रुपए के मूल्य के टिकट बरामद किए, तो वहीं पूरे भारत भर से लगभग 141 शहरों से ऐसे 387 दलाल हिरासत में लिए गए हैं। पर आखिर दलालों से भारतीय रेलवे को किस बात का खतरा है, आइए इसके पीछे के कुछ प्रमुख कारणों को जानते हैं। दरअसल जिन दलालों की यहां बात हो रही है, वे थोक में टिकट खरीद लेते थे और उन्हें जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा खासा लाभ अर्जित करते थे। इन्हीं दलालों के कारण रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के अंतर्गत लिए गए इस निर्णय से लगता है कि अब इस समस्या का अंत होना लगभग तय है। हाल ही में जो छापे पड़े हैं उससे काफी हद तक इन दलालों की कमर तो टूटी है। ऑपरेशन थंडर को भारतीय रेलवे के सभी विभागों ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया। इस दौरान आरपीएफ ने देश भर के 141 शहरों में 276 जगह छापे मारे। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार के अनुसार, क्योंकि ये पीक सीजन है इसलिए दलाल इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए आरपीएफ ने बहुत सी टीमें बनाकर एक साथ 13 जून को छापा मारने की योजना बनाई। इन छापों से लगभग 22,000 टिकट बरामद हुए, जिनका मूल्य 32,99,093 रुपए है। सूत्रों की माने तो इन दलालों ने लगभग 3,12,00,000 टिकट बुक कर लिए थे केवल 10 दिन में। जी हाँ, 3,12,00,000 टिकट बुक किए गए थे। सबसे ज्यादा मामले तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में दर्ज हुए हैं, जिसके बाद बिलासपुर का नाम और उसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के तहत आने वाले विभिन्न शहरों के नाम आते हैं। यही नहीं, इन छापों में भी ये बात सामने आई है कि राजस्थान के कोटा शहर से एक ऐसा हैकिंग सिस्टम बरामद हुआ है जिससे तत्काल टिकट सिस्टम हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई लोग तो टिकट के साथ साथ नकली प्रमाण पत्र भी बांट रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय रेलवे को इन दलालों से कितना गहरा खतरा रहता था। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे प्रशासन का जिस तरह से पीयूष गोयल ने कायाकल्प किया है, वे अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। रेलवे में दलाली पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने विशेष रूप से कई अहम निर्णय लिए हैं, चाहे वो टिकटिंग अधिनियमों में बदलाव करना हो या फिर हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ऑपरेशन थंडर हो। रेलवे की प्रगति में रोड़ा बनने वाले इन दलालों को सबक सिखाने के लिए पीयूष गोयल और भारतीय रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि रेलवे द्वारा इन दलालों पर ऐसी ही कार्रवाई जारी रही तो निकट भविष्य में टिकट अनुपलब्धता की समस्या का पूरी तरह निवारण हो सकता है। चूंकि अब इन दलालों का मायाजाल पूरी तरह बिखरने की ओर अग्रसर है, इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ट्रेन टिकट की बुकिंग अब और भी पारदर्शी एवं सुगम होगी।